मोक्षमार्गसिनीतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। परमार्थ आप्त, परमार्थ आगम और परमार्थ तपोधनु प्रणाम। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। अब हिंसादिकों का त्याग व्रत है, ये बात तो स्पष्ट हो गई, पर यहाँ शंकाकार का प्रश्न है कि हम ये नहीं समझ पाए कि हिंसादिक क्या है। मोटी मोटी जानकारी तो थी, पर आप जैन परंपरा के अनुसार बताइए कि हिंसादिक क्या है। आचार्य उत्तर देते हैं, प्रमत्त योगात प्राणव्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योग के कारण जब अपन प्राणों का व्यपरोपण करते हैं किसी भी जीव के, तब उस प्राणों के व्यपरोपण को, प्राणों के वियोग करण को, व्यपरोपण का अर्थ होता वियोग करना, उसका नाम हिंसा है। फिर ये प्रमत्त योग क्या वस्तु है, तो टीका में पूज्यपाद आचार्य महाराज लिखते हैं, प्रमाद सकषायत्व। प्रमाद का अर्थ होता है कषाय सहित होना, तद्वान आत्म परिणाम प्रमत्त। तो कषाय सहित जो आत्मा का परिणाम भाव है वह प्रमत्त भाव है, और प्रमत्तस्य योग प्रमत्त योग, और उस भाव से संबंधित जो योग होता है उसका नाम प्रमत्त योग है। तस्मात् प्रमत्त योगात्, उस प्रमत्त योग से इंद्रियादयो दश प्राणास, इंद्रियादि दस प्राण है, तेषां यथा संभवम व्यपरोपण, उनका यथा संभव जो व्यपरोपण होता है, वियोग करण, वियोग करना होता है, हिंसेत्य विधीयते, वह हिंसा कही जाती है। सा प्राणिनो दुख हेतुत्वाद अधर्म हेतु, वह प्राणी के लिए दुख का कारण होने से पाप का कारण है। प्रमत्त योगात्ति विशेषणम केवलम प्राण व्यपरोपणम ना धर्मायति ज्ञापनार्थम उक्तम च। प्रमत्त योग ये जो विशेषण दिया है, इससे ये बात स्पष्ट होती है कि मात्र प्राणों का व्यपरोपण अधर्म अथवा पाप के लिए नहीं है। केवल प्राणों का व्यपरोपण पाप का कारण नहीं है, प्रमत्त योग से जो प्राणों का व्यपरोपण होता है वो पाप का कारण है। योजयति चाशुभिर्न च वधेन संयुज्यते। कोई प्राणी किसी अन्य प्राणी के प्राणों का वियोग करता है, लेकिन हिंसा से उसका संयोग नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति भी बनती है। जैसे इसको समझाने के लिए, किसी ने किसी के प्राण ले लिए फिर भी हिंसा का दोष नहीं लगा, ये कैसे समझें, इसका कोई उदाहरण है, तो आचार्य उदाहरण देते हैं, उच्चाली दम्मी पादी इरिया समिदस निगम ठाणी आबादी झिकुणिंगो मरेज तुगमासीज नहीं तस् तन्निमित्तु बंधु सुमो विदेशी तो समय मुच्छा परिग होती है अज्जप पमाण दो बणी दो। दो गाथाएं दी है आचार्य महाराज ने, वो लिख रहे हैं कि
इरिया समितस्य, इरिया समिति से चलने वाले साधु उच्चाली दम्भे पादे, पैर ऐसे उठाते हैं निगमत ठाणे, गमन निकलने के स्थान पर पैर उठाते हैं और रखते भी है, देख कर संभाल के रखते हैं। पर कुलिंगु आबादिज किसी जीव को बाधा पहुंच जाती है और तजोग मासेज मरेज, और उनकी उस प्रवृत्ति से कोई जीव मर भी जाता है, पर वो सावधानी से पैर रख रहे हैं तो भी ऐसा हो जाता है। तो आचार्य लिखते हैं कि तस उन मुनि महाराज को तन्निमित्तो सूमो भी बंधु न समय दिस, उसके निमित्त से होने वाला सूक्ष्म बंध भी आगम में नहीं कहा। मुच्छा परिग्ग होते अजप प्रमाण दो दिट्ठू, कोई साधु बैठे हुए हैं और मंदिर में पूरे स्वर्ण के उपकरण आदि सब कुछ है, बहुत भव्य वातावरण है, लेकिन उनको मूर्छा नहीं है, उसके प्रति अपनत्व तो नहीं है, तो फिर वहां बैठ करके भी वो निष्परिग्रह है। और कोई शिखर जी पर बैठे बैठे अपने घर के परिग्रह के प्रति अनुराग भाव ला रहा है अपने मन में, तो वो परिग्रही है। तो इसी प्रकार चलते समय उनके परिणाम इरिया समिति रूप है, इसलिए उनको प्राणघात होने पर भी हिंसा नहीं होगी, तो उसको विराधना कहते हैं। प्राणों का घात हो रहा है, विराधना हो रही है, लेकिन अगर अंतरंग में लापरवाही हो, बिना देखे अगर चलने लग जाए, तो प्राणों का घात न होने पर भी हिंसा का दोष लगेगा, और अगर संभाल कर चल रहे हैं तो प्राणों का घात होने पर भी हिंसा का पाप नहीं लगेगा। ननुच प्राण व्यपरूपणा भावे भी प्रमत्योग मात्रा देव हिंसिष्यते उक्तम च, इसका भी एक उदाहरण है। मरुदुव जीयदुव जीवो अयदाचार सृणिच्छिदा हिंसा पयद सृणथि बंधु हिंसा मित्तेण समिदस। अयदाचारस, लापरवाही करने वाले कोई साधु हैं तो उनसे जीवो मरदु जीयदुवा, जीव मरे या जीवित रहे उनकी प्रवृत्ति काल में, लेकिन निश्चिता हिंसा, निश्चित रूप से हिंसा लगती है उनको। वो अगर लापरवाही से प्रवृत्ति कर रहे हैं तो फिर जीवों की मृत्यु हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको हिंसा का दोष लगता है। पयदस्य नत्थि बंधु हिंसा मित्तेण समिदस्य, और जो सावधान न होकर के प्रवृत्ति कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर हिंसा मात्र होती है, ऊपर द्रव्य हिंसा तो हो ही रही है, किसी जीव का घात तो हो रहा है, तो उस उनको बंद नहीं होगा, हिंसा संबंधी पाप का बंद नहीं होगा। नैष दोष अत्रापि प्राण व्यपरूपणमस्ति भावलक्षण तथा चोक्तम, बोले कि फिर आपने कहा कि प्राणों का व्यपरूपण हिंसा है, तो फिर इस गाथा में तो कह रहे हैं कि वो कुछ भी ना हो उस जीव को और आप लापरवाही से प्रवृत्ति करो तो आपको हिंसा का पाप लगे, कहाँ प्राण व्यपरूपण है। तो आचार्य बोलते हैं कि हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपने अंदर हो रहा है, क्योंकि आपके भाव जो हैं वो असावधानी रूप है, तो वहाँ पर प्राण व्यपरूपण हो जाता है। तथा चो तुम कहा भी स्वयमेव आत्मनात्मान हिणस्त्यात्मा प्रमादवान पूर्वं प्राण्यंतराणां तु पश्चात् जाया स्यादवा नवावध। प्रमादी आत्मा अपने द्वारा अपना घात तो कर ही लेते हैं, क्योंकि वो प्रमाद भाव जो है उसके कर्मबंध में हेतु बनता है, वो कर्मबंध आत्मा को पीड़ित करता है, तो उसने अपना तो नुकसान कर ही लिया, फिर सर्वप्रथम अपना नुकसान हुआ, पश्चात उसके बाद प्राण्यंतरण,
अन्य किसी प्राणी का वध स्यात् न वा, घात हो या न हो वो बाद की बात है, लेकिन अपने भाव अगर दूषित हो गए तो फिर अपने लिए तो कर्म का बंध हो ही गया। आहा अभिहित लक्षण हिंसा तदंतरोदिष्टम अनृतम किन लक्षणम इत्यत्र उच्यते। ठीक है, हिंसा का समझ में आ गया कि हिंसा का संबंध केवल द्रव्य से नहीं है, भावों से है। इसलिए वहां पर पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में जो 27 प्रकार के विकल्प दिए हैं, कभी कभी उत्सवों में पूजा आदि में बहुत सारे दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, कभी कभी बहुत सारा द्रव्य चढ़ाया जाता है, कभी कभी बड़ा अभिषेक होता है तो बहुत सारे बहुत अधिक मात्रा में वो अभिषेक होता है। तो ये कहाँ तक उचित है? तो फिर उसका समाधान ये है कि वही देखना आपको कि भाव क्या है वहां पर। भाव अगर भक्ति का भाव है तो फिर वो प्रवृत्ति पाप बंध का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि जिन भक्ति भाव भवांतर के पाप का नाश करने वाली होती है, पाप का बंध करने वाली नहीं हो सकती। जिस दवाई से रोग मिटता है वो दवाई उस रोग को कैसे उत्पन्न कर सकती है? इसी प्रकार जिन भक्ति पापों को नष्ट करती है तो वो पाप का कारण कैसे हो सकती है? तो ऐसे वहां पर उन्होंने 27 उदाहरण देकर के बहुत कुछ समझाया। उसमें से अपन 4 उदाहरण ऐसे ले लें कि जिसमें जीवों का घात होता है, 4 ऐसे उदाहरण है जिसमें जीवों का घात होता है लेकिन पुण्य का बंध होता है। क्यों? क्योंकि भाव हिंसा नहीं है। कौन से 4 उदाहरण? एक वैयावृत्त है, अब साधु के वैयावृत्त कर रहे हैं, अब वैयावृत्त करने में जैसे वो उदाहरण आया था पहले कि उनको फोड़ा हो गया और उसमें चीरा फाड़ी कर रहे हैं, उसमें से मवाद निकाल रहे हैं, उनको जोर से दबाव दे रहे हैं, तो इतना सब तकलीफ हो रही है, उसमें से मवाद निकल भी रहा है, खून भी बाहर आ रहा है, वो तब तक निकालते हैं मवाद जब तक खून ना आने लग जाए, तब तक रोकते नहीं है वो। तो इतनी तकलीफ होने के बाद भी पुण्य का कारण है वो। वैयावृत्ति एक प्रसंग है। दूसरा, वैयावृत्ति में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, केवल उतना सा नहीं है वैयावृत्ति का, एक उदाहरण मात्र नहीं है, बहुत प्रकार से वैयावृत्ति होती है। अब वो जो अपन ने उस दिन कथा पढ़ी थी तो उस कथा में वो वैद्य ने वहाँ पर उनको औषध दी थी, रत्न कापिष्ठ का चूर्ण, और वो मुनि ठीक हो गए थे। और फिर जब उनने यहाँ पर देखा अपने द्वीप में जहाँ पर वो मुनि महाराज आए थे और उनके ऊपर वो आंधी तूफान में वो सब लकड़ियाँ गिर गई थी, उनके सब घायल हो गया था पूरा शरीर, तो उस समय जब उस वैद्य ने वानर पर्याय में उनकी मुख मुद्रा देखी तो उनको ये स्मरण आया कि पिछले भव में भी जब ये जब नारायण श्री कृष्ण जी ने इनसे पूछा कि कैसा स्वास्थ्य, तो उन्होंने बोला कि शरीर में क्या सार, रत्नत्रय तो आत्मा के पास है। तो उस समय जो इनकी मुख मुद्रा थी, अभी इतने घायल होने के बाद भी इनकी वही मुख मुद्रा है, तो उनका हृदय परिवर्तित हो गया। वहाँ पर उस मुद्रा को देखकर उसके हृदय में विद्वेष उत्पन्न हो गया था और बुरे भाव करके वो तिर्यंश बन गया था, और अब यहाँ तिर्यंश पर्याय में उनकी वैसी ही मुख मुद्रा को देखकर उसका भाव बदल गया कि अरे ये तो बहुत महान साधु है, इतना कष्ट होने पर भी समताधारी है। तो फिर वो उनकी वैयावृत्ति के लिए तत्पर होता है, अपने पूरे बंदरों के झुंड को बुलाता है, ऊपर से टहनी झुकाता है और फिर उस टहनी के साथ लताओं से
वो जो टहनी मुनि महाराज के ऊपर पड़ी थी बहुत भारी थी, उसको ये लोग हटा नहीं सकते थे, तो वो लताओं से बांध करके फिर ऊपर से उन वानरों से कहता है कि अब आप लोग दूसरी शाखा पर कूद जाओ। वो जैसे ही कूदते हैं तो वो जो झुकी हुई शाखा वो ऐसे ऊपर होती है, तो वो लताओं के साथ बंधी हुई जो टहनी मुनि महाराज पर थी वो दूर हट जाते हैं। तो कई स्थानों से उनके रक्त तो निकलता है, फिर वो आकर के उनके ऊपर पूर्व भव के स्मरण से, वो वैद्य तो थे तो वहाँ से वैसी वनस्पतियाँ जुटा करके उनका औषधोपचार करते हैं और महाराज ठीक हो जाता है। और फिर वो प्रणाम करते हैं महाराज को और महाराज उनको उपदेश देते हैं कि हे भव्य जीव, तुम्हारी आयु केवल 7 दिन है, तो इसलिए तुम अपना भला कर लो। तो वो उपवास संलेखना गुरु से स्वीकार करके फिर वहाँ पर जब मरण काल आता है तो फिर अच्छे से सदगति को प्राप्त होता है, महार्दिक देव बनता है देवप्रयाग में। फिर वहाँ आकर के उसको लगता है कि मैं यहाँ कहाँ पहुँच गया, मैं तो कहीं दूसरी जगह था। फिर स्मरण आता है कि अरे ये गुरु के उपकार से, उनके वचनों से मेरा इतना उद्धार हो गया। तो वो आकर के गुरु की भक्ति करता है आकर के। तब गुरु महाराज उसको बताते हैं कि देख तेरा शरीर वो पड़ा है, तो वो जा करके उस शरीर की पूजा करता है। पढ़ा था अपन ने, पूजा क्यों करता है? क्योंकि वो शरीर च्युत और चावित नहीं है, त्यक्त है। 3 प्रकार के होते हैं ना शरीर, च्युत यानी मरते समय शरीर छूट जाता है, च्यावित यानी अपन अकाल मरण को प्राप्त होकर शरीर छोड़ देते हैं, फिर ये त्यक्त का अर्थ है कि स्वयं मृत्यु आने से पहले आहार जल आदि को छोड़ करके संलेखना कर लेते हैं। तो वो संलेखना में साधक शरीर होने के कारण पूज्य था और उसने अणुव्रत और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिए थे, तो उस अणुव्रति सम्यक दृष्टि के शरीर की भी पूज्यता आगम में मान्य है। उसमें अपन ने श्लोक में पढ़ा था कि उस देव ने आकर के अपने उस पूर्व शरीर को पूजा था, तो इसलिए अभी जो एक अपन सुनते रहते हैं बार बार कि नहीं अगर अपन सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर किसी की भी पूजा करेंगे तो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा एकांत नहीं है। इतना इतनी उतावली क्यों? कोई निर्णय करना हो तो थोड़ा और सोचो ना कि आगम में और क्या क्या बताया है और कौन से स्थान बताए हैं जहाँ पर पूज्यत्व मान्य है, तब पता चलता है कि नहीं नीली सती की भी पूजा की थी देवों ने जब वो शील से विचलित नहीं हुई थी। कितने संकट आने पर चंदन बाला, कितने सारे उदाहरण हैं, देव लोगों ने आकर के उनकी रक्षा की। और फिर पूजातिशय उत्तम, संवत भद्र आचार्य महाराज लिखा कि उन्होंने पूजा के श्रेष्ठ अतिशय को प्राप्त किया। किन्होंने? जो परमेष्ठी नहीं थे फिर भी वो पूजित हुए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पूज्य होते ही हैं, उन गुणों में सम्यक दर्शन भी है। सम्यक दर्शन अपूज्य है क्या संसार में कहीं भी? असंयम अपूज्य है। तो आप कोई सम्यक दृष्टि ऐसा है जिसके पास असंयम है, अभी उसने अणुव्रत या महाव्रत धारण नहीं किए तो ठीक है असंयम अपूज्य है, लेकिन उसका सम्यक दर्शन अपूज्य हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। और यदि इस बात को अपन स्वीकार नहीं करते तो अभी अपन ने पढ़ा था 4th अध्याय में कि इतरेषाम देवानाम अर्चनीया लोकांतिका विषय सुख विरहात देवर्षय, ये पंक्तियां अपन ने पढ़ी थी कि नहीं कि लोकांतिक देव कैसे होते हैं, उनके पास देवियां नहीं होती और वो उस सांसारिक सुख के पचड़े में नहीं पड़ते, इसलिए वो देवर्षि कहलाते हैं। देव पर्याय है, सम्यक दृष्टि है, 4th गुणस्थान में वो असंयमी है, लेकिन फिर भी देवर्षि कहलाते हैं। और इतरेषाम देवानाम अर्चनीय, बाकी देवों के लिए अर्चनीय होते हैं। और कुंदकदाचार्य महाराज ने लिखा है कि असंजदम न वंदे, तो वंदे क्रियापद उत्तम पुरुष का है और उसका अर्थ उल्टा सीधा लगा करके लोग बोल रहे हैं कि असंयम की वंदना नहीं करनी चाहिए।
अरे कुंदकुंद आचार्य कह रहे हैं कि मैं असंयमियों की वंदना नहीं करता, तो कुंदकुंद आचार्य नहीं करते तो फिर कोई आचार्य नहीं करते? कौन से आचार्य करते हैं असंयमी की वंदना? पर वो बाकी लोगों से थोड़ी कह रहे हैं। भरत चक्रवर्ती ने वृषभदेव जब उनके पिता थे तब भी उनकी पूजा की थी, तो भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि के थे कि नहीं थे? सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए शुद्ध सम्यक दृष्टि अवधिक ज्ञानी जीव थे, फिर भी पिता पूज्य थे उनके, तो उनने पूजा की थी। इंद्र आकर के माता पिता की पूजा करते हैं किनके? तीर्थंकर के। तो वो माता पिता संयमी है क्या, परमेष्ठी है क्या? तो फिर परमेष्ठी के अतिरिक्त भी बहुत सारे पूज्य स्थान होते हैं, चेतन हो या अचेतन हो, उनकी भी पूजा जिन शासन में मान्य है। इसलिए ऐसा एकांत नहीं पकड़ना कि विश्व सच्चे देव शास्त्र गुरु ही पूज्य है और जो इनके अलावा किसी को भी पूजता है सो मिथ्या दृष्टि। ऐसा बोलना बहुत सरल है, लेकिन आगम से बोलो ना तो समझ में आएगा कि आगम क्या कहता है। तो अपने पास कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं। और देखिए मुनि प्रतिक्रमण में जो मुनि महाराज करते हैं प्रतिक्रमण, तो क्या बोलते हैं वो? मम मंगलम अर्हंताय सिद्धाय बुद्ध। मेरे लिए अर्हंत मंगल रूप है, मेरे लिए सिद्ध मंगल रूप है, बुद्धाय मेरे लिए जो ज्ञानी है वो मंगल रूप है। बुद्ध का अर्थ जो सब कुछ जान चुके केवल ज्ञानी, वो मेरे लिए मंगल रूप है। जिनाय मेरे लिए जिन महत मंगल रूप है, केवलिनो मेरे लिए केवली भगवान मंगल रूप है, ओहिनाणिनो मणपज्ञानी अवधि ज्ञानी मन परिज्ञानी, ये सब मेरे लिए मंगल रूप है क्योंकि इनके सबके साथ सम्यक तो जुड़ा हुआ है। और मेरे लिए कौन कौन मंगल रूप है? 14 पूर्वम गामिनो, 14 पूर्व के ज्ञानी शुद्ध केवली मेरे लिए मंगल रूप। तवो ये 12वीं हो तवस्य, तपश्चरण मेरे लिए मंगल रूप है, 12 प्रकार का तप करने वाले तपस्वी मेरे लिए मंगल रूप है। गुणाय गुणवंतो ये, मूल गुण और उत्तर गुण मेरे लिए मंगल रूप है, मूल गुणी और उत्तर गुणी मेरे लिए मंगल रूप है। अंतर समझ में आया? मूल गुण और मूल गुणी। मूल गुणी कौन है? जिन्होंने मूल गुण धारण किया, दोनों मेरे लिए मंगल रूप है। महर्षि, महर्षि मेरे लिए मंगल रूप है, तीर्थंकर आया तीर्थंकर मेरे लिए मंगल रूप है। पवयणम पवयणी है, आगम मेरे लिए मंगल रूप है और आगम के ज्ञाता भी मेरे लिए मंगल रूप है। नाणम नाणी है, सम्यक ज्ञान मेरे लिए मंगल रूप है और सम्यक ज्ञानी मेरे लिए मंगल रूप है। दंशनम दंशनीय, सम्यक दर्शन मेरे लिए मंगल रूप है और दंशनीय सम्यक दृष्टि मेरे लिए मंगल रूप है। तो सम्यक दृष्टि कौन है? केवल परमेष्ठ ही सम्यक दृष्टि है, पूरे जगत में असंख्यात सम्यक दृष्टि है, वो सब मंगल रूप है, ऐसा मुनि महाराज कह रहे हैं। और मुनि महाराज क्या गौतम गणधर कह रहे हैं, तो उनको मंगल माना गया है। जितने भी सम्यक दृष्टि जीव है वो मंगल रूप है। मंगल कितने होते हैं? तो अपन बोलेंगे 4, पर वो 4 मंगल उतनी संख्या सीमित नहीं है। वो 4 मंगल ऐसे मंगल हैं जो उत्तम भी है और शरण भी है। कई दूसरे भी मंगल हैं जो उत्तम और शरण रूप न होते हुए भी मंगल है। ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पणासण मंगलाणम च सव्य सिम परमम हवि मंगलम। पंच नमस्कार मंगल है कि नहीं? तो फिर अभी आपने बोला था 4, तो पंच नमस्कार तो 4 से हट करके। 4 कौन थे? अरहंत सिद्ध साधु और धर्म, ये 4 थे। तो ये नमोकार मंत्र अरहंत सिद्ध साधु और धर्म से अलग है, वो तो नमस्कार है, वो भी मंगल है। और कौन से मंगल हैं? ढेर सारे मंगल हैं। ये सिद्ध क्षेत्र ये भी मंगल है, और भी कितने मंगल हैं। तो इसलिए आग्रह वाला काम नहीं रखना है अपने को, एकदम जो आगम है। आगम और आग्रह दोनों में आग है, एक आग कर्म को जलाती है वो आगम की आग है, और दूसरी आग धर्म को जलाती है वो आग्रह की आग है।
अचेतन में जिनवाणी माता है पूज्य, और वो जो चरण बना है शिखर जी के ऊपर वो पूज्य है कि अपूज्य है, या फिर उन चरणों के पास जाकर के आप सिद्धालय के उन पार्श्वनाथ भगवान को पूजते हैं, उन चरणों को पूज्य नहीं मान करके उनके पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा को ही पूज्य मानते हैं, ऐसा मत है क्या जैन मत? बिल्कुल नहीं। जिन मत वो मत है जो उन चरणों को भी पूज्य मानता है, क्योंकि वो उनके प्रतीक है, वो चरण है तो वो प्रतीक भी पूज्य है। अगर आप प्रतीक को पूज्य नहीं मानेंगे तो फिर मूर्ति अपूज्य हो जाएगी, जबकि मूर्ति पूजा जैन संस्कृति की देन है। क्या अरे पूरी पूरी विधि कर सकते हैं आपको, हमने बताया नहीं था शिखर जी की वंदना की विधि, तीन प्रदक्षिणा जहाँ योग्य है वहाँ लगा सकते हैं आप। और वो कल्पना ही नहीं हो सकती कि वो अपूज्यता की तो कल्पना हो ही नहीं सकती वहाँ पर, वो तो निशान बनाए, इंद्र ने अपने वज्र से निशान बनाए थे चरणों के, लेकिन फिर कालांतर में बहुत बार वज्रपात हुआ, बिजलियाँ गिरी, तो फिर वो पाषाण जो थे वो खंड खंड हो गया, तो फिर पुनः उसका फिर से वहाँ स्थापना की गई चरणों की, तो वो परम पूज्य होते हैं, वो कभी भी अपूज्य नहीं हो सकते। तो ये पूज्यत्व के विषय में धारणाओं को थोड़ा सा और उसके द्वार, ज्ञान के द्वार खुले रख सकते हैं अपन, तो और भी अपने को बहुत कुछ मिलेगा। अब तीर्थंकर के जो माता पिता हैं नाभिराय और मरु देवी, या फिर समुद्र विजय और शिवा देवी, नेमिनाथ भगवान के माता पिता, उनमें कुबेर ने आकर के उनका अभिषेक किया और उन वस्त्रों से उनकी पूजा की, तो पूजा किसकी की जाती है? कुबेर जैसा सम्यक दृष्टि जीव जो एक भवावतारी है, दूसरे भव में मोक्ष प्राप्त करने वाला जीव है, और वो इंद्र के कहने से ये कार्य कर रहा है, तो फिर वो अनुचित कैसे हो गया वो कार्य, और वो अपूज्य कैसे हो सकते हैं? तो ये बात समझने की, इसमें खिंचाताने वाला काम नहीं है। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इनका जिनसे भी संबंध है, तो ये गुण तो कभी अपूज्य हो ही नहीं सकते। और जिनकी पूजा हो रही है, तीर्थंकर के माता पिता की पूजा रही, वो अपरमेष्ठी है, परमेष्ठी नहीं है तीर्थंकर के माता पिता। तो जो पूजा कर रहे हैं वो उनके अपरमेष्ठीपने को नहीं पूज रहा है, वो जो इंद्र और कुबेर जो भी गर्भ कल्याण कर रहे हैं तो वो किसकी पूजा कर रहे हैं? वो तीर्थंकर को जन्म देने वाले माता पिता की पूजा कर रहे हैं, तीर्थंकर से उनका संबंध है, तो तीर्थंकर से संबंधित, धवला की पहली पुस्तक में लिखा है कि उनसे संबंधित द्रव्य, उनसे संबंधित क्षेत्र, उनसे संबंधित काल और उनसे संबंधित भाव, ये चारों पूज्य हैं, चारों मंगल हैं। और यथासंभव पूज्य भी है। बुद्ध्या विना पि विबुधार्चित पाद पीठ, क्या अर्थ है इसका? देवों के द्वारा अर्चित पाद पीठ, पाद पीठ यानी पैरों का आसन, पैरों का आसन, उसमें तो रत्नत्रय नहीं है, पैरों के आसन में चेतना भी नहीं है, पैरों का आसन परमेष्ठी भी नहीं है, पर चूंकि अपने आराध्य ने उस पर पैर रखे हैं इसलिए वो भक्तों के लिए अर्चनीय है। विबुधार्चित पादपीठ, देवों द्वारा अर्चित पादपीठ, द्रव्य चढ़ा करके वो उसकी भी पूजा करते हैं। तो फिर अब अगर ये कहो कि देवशास्त्र गुरु को छोड़कर किसी और की पूजा करने वाले मिथ्या दृष्टि है, तो फिर वो देव मिथ्या दृष्टि होंगे कि नहीं? और भक्तामर में जो प्रथम संबोधन है आदिनाथ भगवान का, वो विबुधार्चित पादपीठ है,
तो आचार्य मानतुन स्वामी ने बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने ऐसा संबंधन रखा जो मिथ्या दृष्टियों के लिए लागू हो रहा है। तो ऐसा गणित नहीं जोड़ना है। क्या कि अपन कुतर्कों में क्यों जाए, अपन उसमें सकारात्मकता निकाले ना, तब पता चलेगा कि तीर्थंकर की नगरी की तीन परिक्रमा लगाते हैं सारे देव। याद करो तो नगरी में कितने उपद्रवी लोग भी रहते होंगे, लेकिन नहीं, तीर्थंकर की नगरी है तो उसकी तीन परिक्रमा लगाते हैं और वो पुण्य ही कमाते हैं। उनके सम्यक्त में कोई रंच मात्र दोष नहीं लगता। ये सारी बातें हैं, और भी कितने उदाहरण। सुकमाल स्वामी की आयु पूर्ण हो गई, वो श्यालनी खा करके पूरे उनके शरीर को क्षत विक्षत छोड़ के चली गई और उनकी आयु चली पूरी हो गई, वो सर्वार्थ सिद्धि पहुंच गया। सौधर्म इंद्र का आसन कंपित हुआ, उसने आकर शरीर की पूजा की, तो शरीर तो परमेष्ठ ही नहीं था, फिर कैसे पूजा की उसने। तो इसका भी प्रावधान जिन शासन में है, ये सब जैनों को समझना आवश्यक है कि कुछ तो है ऐसा। जब बंदर का जीव देव बनकर अपने वानर शरीर को पूज सकता है, तो फिर मुनि के शरीर को सौधर्म इंद्र पूजे तो इसमें क्या दोष है। कैसा जैसे कोई जीव चला निकल गया, जीव उनका शरीर है तो जाते जाते समय वो नहीं ठोक दे देते उनको, पैर पड़ते हैं। वो देखो वो एक शिष्टाचार लौकिक विनय है, उसमें क्या है लोकानुवृत्ति विनय में अगर कोई अपने बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं तो उनका आदर करते हैं, तो वो वाली विनय जो है वो मोक्ष विनय से भिन्न है। और अभी जो हम जिस विनय की हम बात कर रहे हैं वो पूरी मोक्ष विनय की बात कर रहे हैं अभी हम। अरे काय को आएगा मिथ्यात्व में, कैसे आ सकता है मिथ्यात्व? क्या मिथ्यात्व को इतना सरल, उसकी क्या परिभाषा है मिथ्यात्व की? जिनेंद्र भगवान प्रणीत तत्वों को मान्य न करना मिथ्यात्व है। अब उसने कौन सा तत्व अमान्य कर दिया? बड़ों की विनय करना करके कौन सा जिनेंद्र प्रणीत तत्व की अवमानना कर दी उसने? कोई नहीं। मंत्रियों की पूजा होती है कि नहीं स्टेज पर? अब आपको पता नहीं है कि वो पूजा है, क्योंकि आपने उस दृष्टि से उसको देखा नहीं, उस दृश्य को। आपको लग रहा है कि वो मंत्रियों का सम्मान हो रहा है, आचार्य श्री के मंच से सम्मान हो रहा है, पर आप क्रम से देखो क्या क्या हो रहा है उसमें, मतलब कैसी विधि है उसकी सम्मान की। शुरू से आप देखोगे तो जल से लेकर पूरे द्रव्य होते हैं उसमें, और उसके अतिरिक्त और भी द्रव्य होते हैं। और ये अष्टद्रव्य सिर्फ जिनेंद्र भक्ति के द्रव्य नहीं है, ये अष्टद्रव्य पूरी भारतीय संस्कृति में सर्वमान्य द्रव्य है, हर जगह ये अष्टद्रव्य चलते हैं। तो अपन उन मंत्रियों को देखते हैं, जैसे दिग्विजय सिंह जी आते थे, शिवराज सिंह चौहान आते हैं, और भी कितने सारे मंत्री संतरी आते रहते हैं आचार्य श्री के मंच पर, तो क्या क्या करते हैं वहाँ पर? ऐसे पानी छिड़कते हैं, फिर वो सिर पर तिलक लगाते हैं, उसमें अक्षत ऐसे सावधानी से ऐसे चिपकाते हैं। ये क्या है? जल गंध अक्षत माला पहनाते हैं, वो पुष्प का प्रतीक है कि नहीं? फिर वहाँ बाहर ले जाकर मिठाई खिलाते हैं तो नैवेद्य हो गया, फिर श्रीफल तो देते ही हैं, शिरोपाओं भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो पूरी पूजा हुई कि नहीं? इसको लोक पूजा कहते हैं। आप जैन शास्त्रों में पढ़ो, मूलाचार की 583 नंबर गाथा में लिखा है कि ये लोक पूजा है, और ये लोक पूजा मिथ्यात्व नहीं है। वो इतना पुण्यशाली जीव है कि उसका पुण्य पूजा करवाता है उसकी, तो उसमें कोई बात नहीं, उसको मिथ्यात्व थोड़ी कहा जाता है। लेकिन अपन जिस पूजा की बात कर रहे थे वो मोक्ष विनय के अंतर्गत होने वाली पूजा। ये जो माता पिता की पूजा करते हैं इंद्र और कुबेर, ये मोक्ष विनय के अंतर्गत आती है। ये पूजा लोकानुवृत्ति विनय नहीं है, क्योंकि कोई लौकिक नाता नहीं है उनका इंद्रों का उनसे।
वो तीर्थंकर भगवान के माता पिता है, इसलिए उनकी ऐसी पूजा की जाती है। पांडुक शिला की पूजा करते हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पांडुक शिला की पूजा करते हैं वो लोग पूरे अष्ट द्रव्य से। भगवान को वहाँ पर लाने से पहले उस पांडुक शिला की भव्य पूजा की जाती है। तो पांडुक शिला क्या पत्थर है, वो तो पत्थर को पूजना तो मिथ्यात्व हो गया। ऐसा गणित उल्टा सीधा मत जोड़े, वो पत्थर ऐसा साधारण पत्थर नहीं है, उस पर अनंत अनादिकाल से अनंतों तीर्थंकरों का अभिषेक हो चुका है। भले ही वो बालक हो तीर्थंकर, लेकिन द्रव्य जिन है वो, और इंद्र बालक समझ करके उनका अभिषेक नहीं करता, इंद्र उनको तीर्थंकर मानकर अभिषेक करता है। कभी किसी ने पूछा इंद्र से कि तुम बालक का अभिषेक कर रहे हो या तीर्थंकर का, एक ही उत्तर होगा, मैं तीर्थंकर का अभिषेक कर रहा हूं, मुझे किसी के अभिषेक की नहीं पड़ी। और अगर ये उत्तर ना हो इंद्र का, तो फिर आप उदाहरण दीजिए किसी और बालक का अभिषेक किया क्या अनादिकाल से, किसी इंद्र ने कोई अन्य बालक का अभिषेक किया क्या, कभी नहीं। इंद्र ने भगीरथ मुनि के चरणों का क्षीर सागर के जल से अभिषेक किया था, जो जल गंगा में मिल गया और गंगा तीर्थ हो गई, ऐसा जैन पुराणों में लिखा है। लेकिन किसी बालक का अभिषेक कभी नहीं किया इंद्र ने, इंद्र ने जिनेंद्र का ही अभिषेक किया है। तो इस तरह ये सारी बातें हैं। तो उसमें अपन देखते हैं कि हिंसा के प्रकरण में चार ऐसे स्थान है जहाँ पर जीवों का घात होता है, लेकिन हिंसा का पाप नहीं बंधता, बल्कि पुण्य का बंध होता है। तो उसमें एक था वैयावृत्य, दूसरा था आहार दान। आहार दान में जो भी उपक्रम होता है उसमें ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिससे आप पुण्य संचित करो। आटा बनाते समय पुण्य संचय होगा क्या, वो कोई ऐसी पुण्य क्रिया है क्या आटा गूंथना? फिर पानी भरना कोई पुण्य क्रिया है क्या? फिर अग्नि जलाना कोई पुण्य क्रिया है क्या? कोई ऐसी क्रिया नहीं जो पुण्य रूप हो, लेकिन इन सब को करके जब वो आहार दान करता है तो आहार दान संबंधी जो आरंभ है वो पुण्य नहीं है। आहार दान इतना भारी पुण्य है कि वो आरंभ संबंधी जितना भी कर्म बंध होता है उसको तो वो नगण्य बना देता है, इतना भारी पुण्य होता है। अकृत पुण्य ने अपनी माँ द्वारा दिए जाने वाले खीर के आहार के अनुमोदना करके आगामी भव में कदम कदम पर खजाने प्राप्त किया। इसी प्रकार पूजा संबंधी जो तैयारियां वगैरह होती है, जो द्रव्य आदि होते हैं, उसमें चाहे कुछ भी हो अगर वो आगम के अनुसार है जो भी विधियां, तो जब आप जिन भक्ति में लीन होंगे तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति जन्मांतरों का पाप नष्ट करती है। तो वो पूजा की तैयारी संबंधी जो कर्म बंध हुआ है क्या उस पाप को नष्ट नहीं कर पाएगी जिन भक्ति? क्या उस कर्म से छुटकारा नहीं दिलाएगी? एक बार जिन भक्ति करने पर जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर द्रव्य तैयार करने का जो कर्म बंध हो रहा है क्या उससे छुटकारा नहीं दिलाएगी जिन भक्ति? उसके लिए उदाहरण दिया है कि जब आंधी तूफान का समय होता है तब हाथी भी खड़े नहीं रह पाते, वो भी कभी कभी ऐसे खिसक जाते हैं। ना तेज जब हवा चलती है तब हाथी भी कहीं से कहीं उस हवा आंधी तूफान में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो जिस तूफान में हाथी भी स्थिर नहीं रह सकते, उस तूफान में मच्छरों की क्या दशा होगी? इसी प्रकार जिस जिन भक्ति से भवांतरों का पाप नष्ट हो जाता है उस भक्ति से क्या पूजा के द्रव्य संबंधी कर्म बंध टिक सकते हैं उस भक्ति के सामने? कभी नहीं। तो बात यह थी
कि वैयावृत्य, आहार दान और इसी तरह अपने परोपकार, जब दूसरों का अपन उपकार करते हैं, जो कोई बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको अपन सुरक्षा पहुंचाते हैं, उनको मदद देते हैं, कोई कहीं भूकंप आ गया तो वहाँ पर कुछ सेवा देते हैं, कुछ योगदान देते हैं, कहीं आग लग गई तो वहाँ पर मदद देते हैं, कहीं और कोई विपत्ति आ गई तो वहाँ पर अपन कुछ योगदान देते हैं परोपकार, और कोई दीन दुखी बीमार आदि हैं उनको औषध आदि देते हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद देते हैं, कितने प्रकार के काम करते हैं, रोगियों की सेवा करते हैं। तो इसमें भी बहुत आरंभ होता है, कई जीवों की विराधना होती है, लेकिन फिर भी अपना अभिप्राय पीड़ितों की पीड़ा दूर करना होता है। इसलिए अगर उस समय आयु का बंध होगा तो अशुभ आयु का ना होकर शुभ आयु का बंध होगा, जबकि हिंसा का फल दुर्गति है। तो वहां जीवों की विराधना हो रही है लेकिन अपने भावों में हिंसा नहीं है, इसलिए अपने भावों के अनुसार जो गति बंधेगी, आयु बंधेगी, वो शुभ ही बंधेगी। और फिर चौथा है जिनेंद्र भगवान की भक्ति। तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति में भी बहुत आरंभाधिक होते हैं, जब बड़ा उत्सव होता है तब तो बहुत आरंभ होते हैं। वर्णी जी ने भाई जी से कहा कि देखो भाई जी, ये देखो इन लोगों ने क्या क्या लगा रखा है यहाँ पर सजावट में। कोई अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, जिनेंद्र भगवान का कोई उत्सव था, तो उन्होंने खंभों में कुछ लगा के रखा था, कई तोरण सजाए हुए थे, सब कुछ करके रखा था। तो बोले कि ये सब क्या प्रपंच करने की आवश्यकता है। किसी ने बोला भाई जी से, तो भाई जी ने बोला कि तुम्हें जब धर्म होता है तो वहाँ पर ये सब विवेक आता है, और फिर जब तुम अपने, उनने महीने का नाम लेकर बोला भाई जी ने, कि आसोज में जब तुम्हारे यहाँ गल्ले से ऐसे टुकनियाँ भर भर करके तिरुले निकलते हैं और उन तिरुलों को तुम बाहर फेंक देते हो, तब तुम्हें अहिंसा का विवेक नहीं आता, उस समय कहाँ चला जाता है तुम्हारा विवेक। और यहाँ भगवान का उत्सव हो रहा है तो यहाँ तुम्हें हर जगह कुछ वही दिख रही है, तुम्हें हिंसा हिंसा दिख रही है। अरे भक्ति को देखो, क्या ये इधर उधर क्या देख रहे हो, भगवान की भक्ति बिड़ा पार करने वाली है। एकापि समर्थेयम् जिन भक्तिर् दुर्गतिम् निवारयितुम् पुण्यानि च पूरयितुम् दातुम् मुक्ति श्रेयम् कृतिनः। अकेली जिनेंद्र भगवान की भक्ति दुर्गति का निवारण करने में सक्षम है। अकेली जिनेंद्र भगवान की भक्ति जीव को पुण्य से परिपूर्ण करने में समर्थ है, और अकेली जिनेंद्र भगवान की भक्ति मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करने में समर्थ है। इसलिए भक्ति के विषय में कुछ भी अन्यथा विचार मत लाओ। तो इस तरह ये हिंसा हिंसा की चर्चा हो गई। इसके बाद झूठ जो पाप है उसका क्या स्वरूप है। तदनंतरोष्टिल्लोदिष्टमनृतम किन लक्षण इत्यत्र उच्यते। सर्वार्थ सिद्धि से हम पढ़ रहे हैं पंक्ति, असद विधान मनृतम। असत कथन करने का नाम अनृत अर्थात असत्य है। सत शब्द प्रशंसावाची, सत का अर्थ प्रशंसक, प्रशंसा होता है। सज्जन, सत्पुरुष, सद्बुद्धि, सत्कर्म, सदाचार, ये सत शब्द जो है प्रशंसावाची है। सदस सत असत अप्रशस्तमिति यावत, तो फिर असत का अर्थ होगा अप्रशस्त। अगर सत प्रशस्त है, प्रशंसनीय है, तो फिर असत निंदनीय वस्तु हो गई। असतोर्थस्य अभिधानम असद अभिधानम अनृतम। असत कथन करना, अप्रशस्त कथन करना असत्य है। ऋतम सत्यम न ऋतम अनृतम किम पुनरप्रशस्तम। तो ऐसा कौन सा कथन है जो अप्रशस्त कथन है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एकदम सीधे सीधे एक सटीक परिभाषा बताई असत्य क्या होता है। प्राणी पीड़ा करम यत तत् अप्रशस्तम, जो प्राणियों को पीड़ित करे वो वचन अप्रशस्त है, और जो वचन अप्रशस्त है वो असत्य है। एकदम
वज्र सत्य, वचन कह दिया, ब्रह्म सत्य, अकाट्य सत्य, विद्यमान अर्थ विषयम वा अविद्यमान अर्थ विषय, कोई चीज हो सामने या ना हो, लेकिन आप बोलकर प्राणियों को पीड़ित कर रहे हो, बस उसी का नाम असत्य है। उपतंच प्रागेव अहिंसा व्रत परिपालनार्थम मित्रत व्रतम इति, और पहले ही ये बात कही जा चुकी है कि अहिंसा की रक्षा के लिए सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि सारे अन्य व्रत होते हैं। एक अहिंसा की रक्षा करने के लिए सारे व्रत हैं। और अगर आपने बोल करके किसी के प्राणों को ठेस पहुंचा दी तो फिर हिंसा हो गई, और हिंसा हो गई तो फिर वो जो तुम वचनों से जो तुमने किया वो असत्य नाम का पाप कहलाया। तस्माद हिंसा करम वचो नृतमिति निश्चयम्, निश्चित कर लो कि हिंसा करने वाले वचन ही असत्य वचन है। अधिक विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, जिन वचनों से हिंसा हो उनका नाम असत्य। अथानृतानंतरम उद्दिष्टम यत् स्तेयं तस्य किं लक्षणम्, लक्षणमित्यत आह। अब असत्य के बाद कहा हुआ जो चोरी नाम का पाप है, चोरी का लक्षण क्या है, उसकी पहचान क्या है, कैसे पहचाने कि ये चोरी है, तो आचार्य उत्तर देते हैं, अदत्ता दानं स्तेयम्। आदानं ग्रहणम् अदत्तस्य आदानम् अदत्ता दानं स्तेयम् इत्युच्यते। आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना, दान का अर्थ होता है देना, आदान का अर्थ लेना। तो बिना दी हुई वस्तु को लेना चोरी है। यदि ऐसी बात हो तो फिर कर्म नो कर्म ग्रहण स्तेयम प्राप्त होती अन्नीना दत्तत्वात्। शंकाकार ने अच्छी शंका कर दी, जो अपन कर्मों का आश्रव कर रहे हैं और नौकर्म वर्गणाओं को भी ग्रहण कर रहे हैं निरंतर, वो भी सब चोरी में आ जाएगा। तो आचार्य उत्तर देते हैं, नैष दोष, ये दोष नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। क्यों? दाना दाने यत्र संभवतस तत्रैव स्तेय व्यवहार, जिन वस्तुओं में लेन देन हो सकती है उनको अगर बिना पूछे लेते हो तभी चोरी का व्यवहार होता है। यहाँ लेन देन ही, सांस ले रहे, हवा आ रही है, वो नौकर्म का ग्रहण हो रहा है, तो फिर अंदर श्वास जा रही, उसमें कोई चोरी का दोष नहीं है क्योंकि उसमें कोई लेन देन का व्यवहार नहीं है। हाँ, अगर हॉस्पिटल में आप ऑक्सीजन का सिलेंडर बिना पूछे ले लो तो फिर वहाँ चोरी मानी जाएगी। जहां पर लेन देन का व्यवहार होता है वहीं पर ये चोरी का अस्तित्व होता है। कुतः, कैसे? तो बोले अदत्त ग्रहण सामर्थ्यात्। अदत्त ये जो शब्द है इसी से समझ में आ जाता है कि न दिया हुआ। तो हवा दी हुई है क्या, कर्म दिए हुए है क्या, उसमें लेन देन है ही नहीं, न देना हो सकता है न लेना हो सकता है, तो उसमें चोरी की बात नहीं बनती। एवं अपि भिक्षो, अब शंकाकार का फिर कहना है कि चलो ठीक है आप जो कह रहे हो वह वही सही, पर ऐसे में भी भिक्षोर ग्रामनगरादिषु भ्रमण काले रथ्या द्वाराद प्रवेशाद अदत्ता दानम प्राप्नोति। जो भिक्षु हैं, जैन साधु हैं, वो गाँव में नगर आदि में भ्रमण करते समय मार्ग से जाते हैं, द्वारों से प्रवेश करते हैं, तो किसी के अनुमति से थोड़ी करते हैं, तो जा रहे हैं। तो आचार्य बोलते हैं कि नहीं दोष, इसमें भी दोष नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि सामान्य मुक्तत्वात, उस जन सामान्य के लिए वो मुक्त है मार्ग और फिर द्वार,
सबको छूट है वहां जाने की, इसलिए चोरी का दोष नहीं। अब आप किसी के घर में घुस जाओ तो तब फिर दोष हो जाएगा। तथा ही उसको थोड़ा और सरल करके समझाते हैं, अयम भिक्षु पिहित द्वारा दिशु न प्रविशति अमुक्तत्वात्। ये भिक्षु जो होते हैं वो बंद दरवाजे को खोलकर प्रवेश नहीं कर सकते, क्यों? अमुक्तत्वात्, उसकी छूट नहीं है वहां पर उनको। फिर अथवा प्रमत्त योगाद इत्यनुवर्तते, आचार्य कहते हैं कि प्रमत्त योगाद जो उसमें लिखा था प्रमत्त योगाद प्राण व्यपरोपण हिंसा, तो प्रमत्त योगाद जो शब्द था ना तो उसको बाकी सब में लगा लेना, उसको वहीं तक सीमित नहीं रखना हिंसा तक, उसको असत्य में भी जोड़ लेना और उसको अचौर्य में भी जोड़ लेना। तो प्रमत्त तो योगाद अदत्ता दानन यत तत्स्तेयमित्युच्यते। तो प्रमत्त योग से जो बिना दी हुई वस्तु को लिया जाता है उसका नाम चोरी है। न च रथ्याद प्रविशत प्रमत्त योगोस्ति, मार्ग आदि से प्रवेश करने वाले साधु को कोई प्रमत्त योग नहीं होता, ऐसा कोई लोभ लालच उनके अंदर कषाय भाव नहीं होता, चले जा रहे हैं, तो इसलिए चोरी का दोष नहीं है। तीन ही तद उक्तम भवति, इससे ये बात कही जा रही है कि यत्र संक्लेश परिणामेन प्रवृत्ति तत्र स्तेयम भवति, जहाँ पर तीव्र कषाय के वश होकर के किसी चीज को बिना दिए ग्रहण करते हैं वहाँ चोरी होती है, तीव्र राग से लोभ से वहाँ चोरी होती है। बाह्य वस्तुनु ग्रहणे चाग्रहणे च, अब मान लो आप लेना चाह रहे हैं कोई चीज दूसरे के मन में, आप सोच रहे हैं कि कैसे इसको हथिया लूं, तो भी आप चोर हैं। भले आप कुछ कर नहीं पाए हो अभी तक, लेकिन फिर भी आप चोर हैं, ये कह रहे हैं। और इसमें राजवार्तिक मांगना चोरी नहीं है, तो उतना विवेक आपको रखना चाहिए। देखो एक बहुत सुंदर बात बताते हैं आपको, आनंद आ जाएगा। प्रमत्योग तो यदत्तादानमात्मनः स्तेयं तत्सूत्रितं दाना दान योग्यार्थ गोचरम। आचार्य विद्यानंदी लिख रहे हैं इस सूत्र के ऊपर श्लोक वार्तिक में कि तीव्र लोभ आदि के कारण जो बिना दी हुई वस्तु अपने लिए स्वीकार कर ली जाती है, पर वो कैसी वस्तु होनी चाहिए? जो लेन देन के योग्य वस्तु है, वो अगर हथिया ली जाती है तब उसको आगम में चोरी कहा है। तीन, अब इसके कारण आगे और समझाते हैं। तीन सामान्यतो दत्त मा ददान्नस्य सन्मुनेः सरिन्निर्झरणाद्यम्बः शुष्क गोमय खंडकम् भस्मादिवा स्वयं मुक्तम् पिच्छालाभु फलादिकम् प्रासुकं न भवेत् स्तेयम् प्रमत्तत्वस्य हानितः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसलिए सामान्य रूप से बिना दी हुई किसी वस्तु को अगर कोई अच्छे उत्तम साधु ग्रहण कर लेते हैं, जैसे सरित और निर्झरणाद्यंब, सरिता और झरने आदि का पानी जो कि प्रवाहित होने के कारण प्रासुक है, निर्जंतुक है, उसको यदि वो ग्रहण कर लेते हैं तो न भवेत स्तेयम, चोरी नहीं होती। और क्या ग्रहण करते हैं? शुष्क गोमय खंडकम, जो कंडा होता है ना सूखा हुआ, उससे भी हाथ बहुत स्वच्छ हो जाते हैं। यानी घी और तेल वाले हाथ भी अगर कंडे सूखे कंडे से धोए जाए तो एकदम स्वच्छ निकल आते हैं हाथ, एकदम साफ सुथरे। अभी कंडे की राख की चर्चा अभी नीचे आ रही है, पहले जितनी चल रही है, जो प्रकरण चल रहा है उसको देख लो। तो यहाँ पर पहले लिखा है शुष्क गोमय खंडकम और उसके बाद लिखा है भस्मादिवा, राख या ईंट का चूरा आदि भी
उससे भी हाथ धो सकते हैं तो उसमें चोरी का दोष नहीं लगता। और कौन सी चीज लेने से चोरी का दोष नहीं लगता? तो स्वयं मुक्तम पिच्छ, मोर ने अगर स्वयं अपने पिच्छ छोड़ दिए हैं, पंख छोड़ दिए हैं, तो उसको अगर साधु ले लें तो उससे उनको चोरी का दोष नहीं लगता। और क्या? तो बोले अलाभ फलादिकम, जो तुम्बी का फल होता है ना, तुम्बड़ी होती है, वो अगर सूखा पड़ा हुआ है तो उसको अगर साधु ले ले और उसको थोड़ा सा अंदर से वो निकाल करके कमंडल के उपयोग में ले ले तो उनको चोरी का दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? प्रमत्तत्व से हानित, प्रमत्तपना उनके अंदर नहीं है, यानी उनके अंदर तीव्र राग नहीं है इन सब चेष्टाओं में, और फिर इसके कोई स्वामी भी नहीं है और इनमें कोई लेन देन का व्यवहार भी नहीं है, इसलिए चोरी का दोष नहीं लगता। अब मान लो किसी ने तुम्बड़ी से कोई सुंदर कमंडल बना करके रखा है और कोई साधु बोले कि नहीं, राज श्लोक वार्तिक में तो लिखा है कि तुम्बी वगैरह लेने में कोई चोरी का दोष नहीं लगता, वो उसको उठा ले तो चोरी का दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बनाने वाला कोई स्वामी है उसका और वो उसका अधिपति है, तो वो अगर खुद दे दे दान में तो कोई बात नहीं, तो फिर वो उपकरण दान की श्रेणी में चला जाएगा, लेकिन बिना दिए अगर साधु ले ले तो फिर चोरी का दोष आता है। तो इस तरह ये अचौर्य का वर्णन था। मतलब यहाँ पर तो जो पांच व्रत है उससे विपरीत किनका त्याग करने से पांच व्रत होते हैं? तो हिंसा को त्यागने से अहिंसा व्रत, असत्य को त्यागने से सत्य व्रत, चोरी को त्यागने से अचौर्य व्रत होता है। ये वर्णन यहाँ पर आज पूर्ण होता है। इसके बाद अब्रह्म और परिग्रह, इनका वर्णन आगामी सत्र में देखा जाएगा। जैनम जयतु शासनम।